आप सबका डॉक्टर एडिसन के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स नीट के रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। शुभ्रा शुक्ला जो डॉक्टर एडिसन में डायरेक्टर हैं और उन सब बच्चों का जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है, उनकी तरफ से मैं आज इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। आज सभी नीट एस्पिरेंट्स इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि इन कॉलेजेस में एडमिशन कैसे होगा। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ डॉक्टर एडिसन के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमें पता है कि स्टूडेंट्स की पहली पसंद गवर्नमेंट कॉलेज होती है, क्योंकि वहाँ की फीस बहुत कम होती है। हमारा अनुमान है कि इस बार 580 या उससे अधिक नंबर वाले स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। यदि आपके मार्क्स 580 या उससे अधिक आते हैं तो भी आपको एक अच्छे काउंसलर की ज़रूरत है। हम अपनी काउंसलिंग के द्वारा पिछले 7 वर्षों में सैकड़ों बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज दिलवा चुके हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें और हमारे नंबर पर 87388 87388 पर आज ही कॉल करें। मान लो किसी स्टूडेंट के मार्क्स 250 से 500 के बीच में हैं और वो भी MBBS में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है? ऐसे में आपको प्राइवेट कॉलेज की तरफ रुख करना होगा, जहां आपका कुल खर्च 70 लाख से 1.5 करोड़ तक आ सकता है। इसमें भी कुछ अच्छे कॉलेज हैं, कुछ बहुत अच्छे कॉलेज हैं और कुछ अच्छे कॉलेज नहीं हैं। आपको एक अच्छा कॉलेज चुनने के लिए एक अच्छे काउंसलर की ज़रूरत होगी। आप काउंसलिंग के लिए 87388 87388 पर आज ही संपर्क करें। शुभ्रा, आप एक बात बताइए, जिन पेरेंट्स का इतना बजट नहीं है कि वो प्राइवेट कॉलेजेस अफोर्ड करें, तो उन्होंने जो बचपन से अपने बच्चे में एक डॉक्टर बनने का सपना देखा है, तो क्या वो टूट जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आपका बजट 25 लाख से 35 लाख तक का है तो भी विदेश के माध्यम से डॉक्टर बना जा सकता है। आपने आज बहुत सारे पेरेंट्स की चिंता दूर कर दी शुभ्रा। आप ये बताइए कि ऐसे कौन कौन से फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें स्टूडेंट्स का एडमिशन हो सकता है इस बजट में? आज के इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आप इस बजट में किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, फिलीपींस एंड जॉर्जिया में एडमिशन ले सकते हैं। जब भी हम विदेश के बारे में सोचते हैं तो पेरेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स और डर बने रहते हैं। डॉक्टर एडिसन के थ्रू किर्गिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स गए हैं, तो आप ये बताइए आपका किर्गिस्तान के बारे में क्या कहना है? किर्गिस्तान एक बहुत खूबसूरत देश है जिसे सेंट्रल एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। चारों ओर से पहाड़ों और वादियों से घिरा हुआ यह देश है और हमारे यहाँ से बहुत ही नज़दीक है। केवल 3 घंटे 30 मिनट की फ्लाइट से वहाँ पहुँचा जा सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर इसे सेंट्रल एशिया का सबसे ब्यूटीफुल एंड सेफेस्ट कंट्री डिक्लेयर किया गया है। USSR के टूटने के बाद बहुत सारी कंट्रीज अलग हुई थी, जिसमें से यह एक खूबसूरत देश है। यह रूस का मित्र देश है, इसीलिए इसे रूस ने मोस्ट फेवरेबल देश का दर्जा दिया है। इसीलिए फ्यूचर में भी हमारे बच्चों के लिए यहाँ स्टडी सेफ रहेगी। चलो, ये देश ब्यूटीफुल भी है और सेफेस्ट भी है। अब आप ये बताइए कि इस देश में कौन सी सबसे अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं जहाँ स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं? जब हम MBBS अब्रॉड की बात करते हैं तो IHSM को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जब हमारे बच्चे फॉरेन जाते हैं तो उन्हें जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, IHSM ने उन्हें पूरा सॉल्व कर दिया है। IHSM को इंडियन मैनेजमेंट द्वारा ही चलाया जाता है और वहाँ प्रोफेसर्स भी इंडियन हैं और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी इंडियन ही है। इसीलिए स्टूडेंट्स को ना ही क्लास में कोई दिक्कत आती है, ना ही ऑफिस में कोई दिक्कत आती है। दूसरी यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज बैरियर होने के कारण बच्चे अपनी बात रख नहीं पाते और इंग्लिश एक्सेंट दूसरी होने के कारण बच्चे बात समझ नहीं पाते। इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कोई कोई तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं।
एक बड़ी समस्या ये है कि जब भी पेरेंट्स कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमें पूरे कोर्स का टोटल एक्सपेंसेस बताइए, तो काउंसलर्स आज के US डॉलर्स के रेट के हिसाब से टोटल एक्सपेंसेस बताते हैं, लेकिन US डॉलर्स का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। कोर्स के ख़त्म होते होते जो खर्च काउंसलर्स ने बताया था वह खर्च पूरा 1.5 से 2 गुना ज़्यादा हो जाता है। इससे पेरेंट्स फाइनेंशियल क्रंच में आ जाते हैं। तो आप प्लीज़ ये बताइए कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। IHSM मैनेजमेंट ने इस प्रॉब्लम को भी पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है। यह कॉलेज शुरू में ही इंडियन रुपीज़ में एक अमाउंट फिक्स कर देता है, जिसमें हॉस्टल फीस, मेस फीस एंड ट्यूशन फीस इंक्लूडेड होती है। इसके बाद डॉलर्स का रेट चाहे 1.5 गुना या 2 गुना भी हो जाए, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज इजीली बिना किसी चिंता के पूरी कर सकते हैं। क्या ये कॉलेज NMC की गाइडलाइंस को भी पूरा करता है? जी बिल्कुल, पहले MCI की लिस्ट में था, अब NMC की गाइडलाइन पर भी खड़ा उतरता है। विदेश में रहने में बच्चों को बहुत समस्याएं आती हैं, क्योंकि कई मेडिकल कॉलेजेस में इंडियन बच्चों के लिए हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो उन्हें महंगे फ्लैट्स में रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस बात का भी IHSM मैनेजमेंट ने पूरी तरह से ध्यान रखा है और बॉयज़ हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल को अलग अलग खूबसूरती से बनाया है और बच्चों को सभी सुविधाएं एंड एमिनिटीज प्रोवाइड की गई हैं। विदेश में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इंडियन फूड और ग्रॉसरी अवेलेबल नहीं होती, तो क्या इस तरफ भी कोई कदम उठाया गया है? IHSM मैनेजमेंट हर साल सेशन शुरू होने से पहले ही 2 कंटेनर इंडियन ग्रॉसरी के इंडिया से ही कॉलेज में भेजता है। जब सैकड़ों टन किराना इंडिया से पहुंच जाता है और इंडियन कुक ही कुकिंग करते हैं, तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब पेरेंट्स अपनी गर्ल चाइल्ड को विदेश भेजते हैं तो वो सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, तो आप ये बताइए कि ये देश गर्ल्स की सेफ्टी के लिए कैसा है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, किर्गिस्तान को सेंट्रल एशिया का सबसे सेफेस्ट एंड ब्यूटीफुल कंट्री डिक्लेयर किया गया है। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं और यहाँ रेसिज्म भी नहीं है। ऐसी कोई घटना के बारे में ना ही आपने कहीं देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। लड़कियों के लिए सेपरेट हॉस्टल होने के कारण लड़कियाँ यहाँ सेफ फील करती हैं। क्या किर्गिस्तान के लिए यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट आसानी से मिल जाती है? जी बिल्कुल, आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट किर्गिस्तान के लिए ISM मैनेजमेंट द्वारा ही ऑपरेट की जाती है। अक्सर ये सुना जाता है कि विदेश में मेडिकल स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल और क्लिनिकल एक्सपोजर कम मिलता है, आप ये बताइए कि आपके वहाँ क्या पोजीशन है? मैं पर्टिकुलरली IHSM के बारे में बताना चाहूँगी। ISM मैनेजमेंट ने मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से कोलैबोरेट करके वेदांता नाम से किर्गिस्तान में 500 बेडेड हॉस्पिटल बनाया है। IHSM स्टूडेंट्स को इसी हॉस्पिटल में लास्ट के 3 ईयर्स बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। इसके अलावा आप कुछ और भी बताना चाहोगी? IHSM के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड डायरेक्टर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों की सारी एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। IHSM में एडमिशन लेने के लिए आज ही डॉक्टर एडिसन में संपर्क करें। हमारा नंबर है 8738887388।